गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हमारा पीएन जंक्शन डायोड के अंदर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, दैट इज रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायस के अंदर हम कल लोग स्टडी कर चुके थे कि कैसे फॉरवर्ड बायस के अंदर जो डिप्लेशन रीजन है उसका वाइड जो है साइज जो है कम हो रहा था। देखिए, जो रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड बायस के अंदर जो रेजिस्टेंस जीरो के बराबर रहता है लगभग, आइडियल डायोड के लिए ऑलमोस्ट जीरो ही आप उसको मान के चलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस आपको मिलेगा फॉरवर्ड बायस कंडीशन के अंदर भी, वो चाहे आपको 1 ओम मिले या फिर 10 ओम मिले। क्लियर? तो वो जो रेजिस्टेंस आपको कहां से दिखाई देता है, डिप्लेशन रीजन के साइज की वजह से ही आप लोगों को दिखाई दे रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में जब साइज कम था तो जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा डायोड के द्वारा जो करंट फ्लो हो रहा है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो उसके रास्ते में जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाएगा वो कम ही रहेगा आपका फॉरवर्ड के अंदर। तो आज हम स्टडी करेंगे रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड के बारे में और थोड़ा डिटेल के अंदर इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना आप लोगों को। तो सबसे पहले बता दें कि रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनाया जाएगा। तो पहले आपको जो है एक पीएन जंक्शन डायोड बना लेना है, लेयर की फॉर्म में बनाया हुआ है, यहाँ पे सिंबल की फॉर्म में भी बनाया हुआ है। क्लियर? फिर हम चर्चा करेंगे कि पोटेंशियल बैरियर की जो हाइट है उस पर क्या इफेक्ट रहेगा। तो चलिए रिवर्स बायस करते हैं। अभी ये पीएन जंक्शन डायोड ये हमने लेयर की फॉर्म में बना रखा है, इसको जो है रिवर्स बायस हम करेंगे अभी। तो रिवर्स बायस के लिए जो ये पी साइड है इसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, बिल्कुल अपोजिट करेंगे जो हमने फॉरवर्ड बायस में किया था उसके अपोजिट करना है आप लोगों को भी। जो एन साइड है इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आप कनेक्ट करेंगे। इतना करने के बाद क्या होगा कि जैसे ही आप इस बैटरी को ऑन करेंगे यानी कि सर्किट के अंदर कनेक्ट कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि ये देखिए, अब यहाँ पे ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। होल्स पे आपको क्या बताया गया था, पॉजिटिव चार्ज रहता है, इन होल्स पे आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ब्लैक डॉट से जो आपको रिप्रेजेंट किया गया है इन पे नेगेटिव चार्ज रहता है। तो अब ये जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये क्या करेगा, इन होल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना खींचना शुरू कर देगा, यानी कि अब ये होल्स जो हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा था कि डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर? जबकि कल वाला जो केस था वहां पे क्या था, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, इस पे नेगेटिव चार्ज है और ये जो होल्स हैं पी साइड में इन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल की ताकत थोड़ी ज्यादा होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर यानी कि होल्स को इधर खींचना शुरू कर देगा अपनी तरफ। क्लियर? इस साइड खींचना शुरू कर देगा। ऐसे ही ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या करेगा, जो एन साइड के अंदर होल्स हैं इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। क्लियर? तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपके पास में डिप्लेशन रीजन है उसका साइज बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज कैरियर थे ये अवे फ्रॉम द जंक्शन, ये जो जंक्शन है इससे दूर भागना शुरू कर देते हैं ड्यू टू रिवर्स बायसिंग, इस रिवर्स बायसिंग की वजह से, और इसी कारण जो डिप्लेशन रीजन है इसकी वाइड
अगर आप कंपेयर करेंगे पीछे वाले केस से फॉरवर्ड बायस के केस से, तो उसके कंपैरिजन में जो डिप्लेशन रीजन है इसकी वाइड्स आपको ज्यादा मिलेगी, क्लियर, क्योंकि चार्ज कैरियर जो है जंक्शन से दूर भाग रहे हैं, तो ये जो जगह है चार्ज कैरियर से फ्री हो रही है। तो अब आपके दिमाग में आती होगी एक चीज कि अब तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डायोड के अंदर से कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जो होल्स हैं वो तो इस साइड मूव कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो अंदर से तो कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, क्योंकि देखिए सभी के सभी जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इधर आ रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है एन साइड से वो इधर आ रहे हैं, तो अंदर तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की, यही अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अंदर भी थोड़ा सा करंट फ्लो करता है, अब वो कैसे करता है वो अब इस चीज को समझ लीजिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पीछे आपने फॉरवर्ड बायस पढ़ा था वहां पे क्या देखा आपने, अंदर से फ्लो हो रहे थे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो हो रहा था, यहां पे जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनकी वजह से इस पीएन जंक्शन डायोड के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जबकि आगे आप देखेंगे तो इसके अंदर भी करंट फ्लो होता है। जैसे ही इस वोल्टेज की थोड़ी आप ज्यादा वोल्टेज बढ़ा देंगे, थोड़ी ताकत ज्यादा बढ़ा देंगे, 5 वोल्ट या 5 वोल्ट से थोड़ा ऊपर इसको आप बढ़ा देंगे, तो इसके अंदर भी करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब वो देखिए किसकी वजह से, तो उसके लिए क्या होगा कि जो पी साइड है इसके अंदर आपको देखिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लैक डॉट, ऐसे ही एन साइड के अंदर मैंने पहले भी आपको बताया था ये होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, क्लियर, इनको आप क्या बोलते हो, इनको नाम मैंने बताया था, ये जो ब्लैक डॉट है पी साइड और ये जो रेड सर्कल है एन साइड, इनको क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, क्लियर, तो यहां पे पी साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, ये माइनॉरिटी का मतलब जिनकी संख्या कम, तो पी साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ऐसे ही एन साइड के अंदर ये आपके पास में जो होल है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे एन साइड में इलेक्ट्रॉन की संख्या के कंपैरिजन में होल्स की संख्या क्या है, कम है, तो जिनकी संख्या कम उन्हीं को हम क्या कहेंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो यहां पे एन साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, होल, और पी साइड की बात करें तो यहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखिए यहां पे आप कल वाला जो रूल है वो अप्लाई कर सकते हैं, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, अब देखिए इसके अंदर से करंट कैसे फ्लो होगा, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये क्या करेगा, ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है इनको रिपेल करना शुरू कर देगा, क्योंकि हमने अभी रूल पढ़ा था कल भी कि नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो उसी रूल को हम यहां पे भी अप्लाई करेंगे कि पी साइड में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का क्या करेगा, उनको रिपेल करना शुरू कर देगा। ऐसे ही ये जो आपके पास में होल्स हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन साइड में, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इनको एन साइड से पी साइड रिपेल करना शुरू कर देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इधर के जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो एन साइड से पी साइड भागना शुरू कर देंगे इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा, रिपेल कर दिए जाएंगे। ऐसे ही बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के द्वारा जो पी साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको भी रिपेल कर दिया जाएगा और ये भी जंक्शन की तरफ भागना शुरू कर देंगे और ऐसे जंक्शन को क्रॉस करना शुरू कर देंगे,
तो अब यहां पे जो इसके अंदर से करंट फ्लो हुआ, क्लियर, इस करंट को हम नाम देकर के चलते हैं, स्मॉल करंट है, इसकी वैल्यू कम है, इसको हम बोलते हैं लीकेज करंट, या फिर रिवर्स करंट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये जो करंट फ्लो हो रहा है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, इसको हम बोलते हैं लीकेज करंट। क्लियर, हमेशा ध्यान रखना इस पॉइंट का आप लोगों को, कि जो लीकेज करंट रहता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से डायोड के अंदर फ्लो करता है, और इसकी जो डायरेक्शन है, जो फॉरवर्ड करंट आपने देखा था पहले वाले केस में फॉरवर्ड कंडीशन में, उसके रिस्पेक्ट में रिवर्स रहती है। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट, ये हमारा खत्म हो चुका है यहां पे। नेक्स्ट देखिए, डायोड को यहां पे सिंबलिक फॉर्म में रिवर्स बायस किया गया है। अब डिप्लेशन रीजन का साइज जो है आपने देखा कि ज्यादा बड़ा होता है रिवर्स कंडीशन के अंदर, तो आप ये कह सकते हैं कि साइज वाइड ज्यादा होने की वजह से उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, ज्यादा। तो हम आइडियल कंडीशन में ये कह सकते हैं कि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर इन, दैट इज नियरली इक्वल टू इनफाइनाइट, बहुत बहुत ज्यादा होगा, और इसी कारण से ये जो डायोड है रिवर्स बायस में एज ए ओपन स्विच काम करता है, यानी कि अगर स्विच ओपन होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। और लास्ट, रिवर्स बायस कंडीशन की वजह से हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर पे क्या इफेक्ट होगा, ये आपको ब्लैक लाइन, एक कर्व लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, कि नॉर्मल 300 टेम्परेचर पे, केल्विन टेम्परेचर पे, जब आप कोई भी बायसिंग यूज नहीं करते हैं तो आपके पास में हाइट ये रहती है पोटेंशियल बैरियर की, लेकिन जैसे ही आपने रिवर्स बायस किया तो डिप्लेशन रीजन का साइज बढ़ने के साथ साथ जो हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर है वो भी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, जैसे जो इसके डिप्लेशन रीजन की ओरिजिनल वैल्यू VB थी, और ये जो आपने V वोल्टेज अप्लाई की है उसके अंदर ऐड कर दीजिए, तो ये रेड डॉटेड जो कर्व लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है आपका हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर जब आपने डायोड को रिवर्स बायस किया है। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई डाउट आए तो जरूर पूछिएगा। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये आपको ध्यान रखना है। थैंक्स फॉर टुडे।